हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बिग स्क्रीन। तो आज की हमारी मूवी का नाम है मोगली लीजेंड ऑफ द जंगल। कहानी की शुरुआत होती है हिंदुस्तान के एक जंगल से। यह है एक घना जंगल जहां केवल जानवरों का राज चलता है। और एक दिन अचानक इसी जंगल में इंसानों की भगदड़ होने लगती है। जहां इंसान यहां से वहां भाग रहे थे, वहीं एक औरत थी जिसके पास उसका एक छोटा सा बच्चा था। तभी वहां पर शेर खान आता है और वह इस औरत पर हमला कर देता है। शेर खान ने यहाँ सभी इंसानों को मार दिया था। अब जंगल में एक सन्नाटा सा छा जाता है। तभी जंगल में इस बच्चे को दिखाया जाता है। ये उसी औरत का बच्चा है जिस औरत को शेर खान ने मार डाला। इस बच्चे के सामने एक ब्लैक पैंथर आता है। इस ब्लैक पैंथर का नाम बगीरा है। बगीरा इस बच्चे को गौर से देखता है जिससे उसका दिल पिघल जाता है। बगीरा को इस बच्चे पर प्यार आता है। फिर बगीरा इस बच्चे को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर रख देता है। बगीरा बहुत ही ज़्यादा दयालु था। वे वहीं पास की झाड़ी में छुपकर पूरी रात उसकी रखवाली करता है। फिर अगली सुबह दिखाया जाता है कि उस बच्चे के पास कुछ भेड़िया आते हैं। ये भेड़िया इस बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो गौर से इस बच्चे को देखते हैं कि ये तो एक इंसान का बच्चा है, और इंसान का बच्चा यहाँ पर कैसे आया। भेड़िया भी बहुत ही ज़्यादा दयालु थे और फिर ये ठान लेते हैं इस बच्चे को पालने के लिए। तभी वहाँ पर एक लकड़बग्गा आता है और ये लकड़बग्गा इस बच्चे की शिकार में ही यहाँ आया था। लेकिन ये भेड़िया उस लकड़बग्गे को डरा धमका कर यहाँ से भगा देते हैं। फिर ये भेड़िया इस बच्चे को अपने सरदार के पास ले जाते हैं। वहाँ पर एक सभा बैठाई जाती है। ये अपने सरदार से कहते हैं कि हमें एक इंसान का बच्चा मिला है जो कि बिल्कुल अकेला है। तभी इनका सरदार इनसे कहता है कि इसकी परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा। तभी ये भेड़िया जिसका नाम निशा है, वह कहती है कि मैं करूँगी इसकी परवरिश। लेकिन तभी भेड़ियों का सरदार कहता है कि इस जंगल का एक नियम है, एक जानवर की परवरिश जानवर कर सकता है, लेकिन ये एक इंसान का बच्चा है तो कौन रहेगा इसके पक्ष में। तभी बगीरा आगे आता है और कहता है मैं रहूँगा इसके पक्ष में, और साथ में कहता है कि ये भालू भी उसके पक्ष में है। हालांकि ये भालू मना कर देता है कि नहीं, मैं किसी भी इंसान के बच्चे का पक्ष नहीं लूँगा। इस बच्चे के पक्ष में कोई नहीं था सिवाय बगीरा के। तभी भेड़ियों का सरदार उस बच्चे को प्यार भरी नज़रों से देखता है। देखते ही सरदार को भी उस बच्चे पर प्यार आ जाता है। तभी यहाँ पर शेर खान आता है। शेर खान के साथ वही लकड़बग्गा था। शेर खान कहता है कि वो मेरा शिकार है, उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। भेड़ियों का सरदार कहता है कि नहीं, इस बच्चे को हम कल सुबह इसके माता पिता को सौंप देंगे। तभी शेर खान कहता है कि इसके माता पिता को तो मैंने कब का ही मार डाला और अब वे बिल्कुल अनाथ है। तभी निशा शेर खान से कहती है कि चला जा शेर खान यहाँ से, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी शेर खान कहता है कि ये दुश्मनी तुम सभी को बहुत भारी पड़ेगी। भेड़ियों का सरदार कहता है कि अब ये बच्चा हमारे परिवार का हिस्सा है और तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मेरी पूरी टोली से लड़ना होगा। सरदार की ये बात सुनकर शेर खान इन सभी को धमकी देता है और कहता है कि कब तक इस बच्चे की रक्षा करोगे, जिस दिन मौका मिल गया मैं उसी दिन अपनी भूख मिटा लूँगा। और ये कहकर फिर शेर खान यहाँ से चला जाता है। तभी भेड़ियों का सरदार कहता है कि मरते दम तक हम इस बच्चे की रक्षा करेंगे। अब ये बच्चा हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है और इस बच्चे का नाम ये लोग रखते हैं मोगली। अब कुछ साल बाद दिखाया जाता है, इस सुंदर से जंगल में बगीरा इस बच्चे को अपने पीठ के ऊपर लेकर भाग रहा था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मोगली ही है। मोगली अब बड़ा हो चुका था और अभी तक इन सब की ज़िंदगी में कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कतें नहीं आई थीं। बगीरा मोगली को शिकार करना सिखाता है। वे एक हिरन को लपक कर मार देता है और मोगली को बताता है कि ये हमारा भोजन है और हमारा हक भी है, और इन सभी को हमारे भोजन के लिए ही बनाया गया है जिससे हमारा पेट भरता है। तभी यहाँ भालू आता है। मोगली इस जंगल में बहुत खुश था, उसे यहाँ के सभी जानवरों से बहुत प्यार मिल रहा था। वो इन जानवरों के साथ हंस खेल रहा था और वे बिल्कुल जानवरों की तरह ही भाग रहा था। अब भालू बाकी भेड़ियों के साथ मोगली की रेस लगवाता है। सभी भेड़िये और मोगली एक साथ भागते हैं, लेकिन उस रेस में मोगली हार जाता है क्योंकि मोगली को यहाँ भेड़ियों की तरह भागने के लिए कहा जाता है, पर वे एक इंसान का बच्चा है और वे भेड़ियों की तरह ज़्यादा तेज नहीं भाग पाता। तभी आगे चलकर भालू और मोगली को एक मरी हुई गाय मिलती है। उस गाय को शेर खान ने मार दिया था। भालू मोगली को यहाँ से फटाफट जाने के लिए कहता है।
दरअसल शेर खान इन सभी को डरा रहा था। शेर खान ने गाय को मारकर इन्हें एक चुनौती दी थी। अब सभी भेड़िये रात में मिलकर एक मीटिंग करते हैं। यह सभी भेड़िये मोगली को शेर खान के हवाले करने को कहते हैं। वे कहते हैं कि शेर खान इस जंगल को बर्बाद कर देगा, वे भी सिर्फ इस बच्चे की खातिर। इस बच्चे को शेर खान के हवाले कर दो। तभी निशा कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो हमारा बच्चा है। तभी भेड़ियों का सरदार कहता है कि मैं इसका हल सोचूंगा और सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर ये सरदार बगीरा और भालू से कहता है कि शेर खान लड़ाई चाहता है। तभी भालू कहता है कि आखिर वे किससे लड़ाई चाहता है। सरदार कहता है कि वे केवल मुझसे लड़ाई चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब तुम सभी को उस मोगली को तैयार करना होगा, उसे कड़ी ट्रेनिंग देनी होगी। तभी भालू अगले ही दिन मोगली को कड़ी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और उसे एक पेड़ से कूदकर दूसरी डाली को पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन मोगली ये नहीं कर पा रहा था। वे कई बार कोशिश करता है और आखिरी में वे उछल कर उस डाल को पकड़ लेता है। फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि मोगली एक नदी में नहा रहा था। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वे जैसे ही ऊपर देखता है, उसे शेर खान दिखाई देता है। शेर खान नदी के पास पानी पीने आया था। मोगली शेर खान को देख लेता है और उसे देखकर पानी में अपनी सांसों को रोककर खड़ा हो जाता है। लेकिन मोगली ज़्यादा देर तक अपनी सांसों को नहीं रोक सकता था। वे जैसे ही सांस लेता है, पानी में बुलबुले उठ जाते हैं, जिस वजह से शेर खान को शक हो जाता है। फिर शेर खान गौर से पानी में देखने की कोशिश करता है तो उसे पानी में मोगली दिख जाता है। फिर पानी में मोगली का दम घुटने लगता है। तभी मोगली फटाफट पानी से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागने लगता है। शेर खान मोगली के पीछे ही था। मोगली जंगल में इधर से उधर भाग रहा था, तभी वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। तभी मोगली की चीख बगीरा सुन लेता है। मोगली गड्ढे के अंदर गिरा हुआ था, उसको काफ़ी चोटें भी लगी थी। शेर खान उसी गड्ढे के ऊपर घूम रहा था, तभी उस गड्ढे में एक सांप जैसा कोई जीव आता है और मोगली को लपेट कर उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। ये एक बहुत बड़ा हाथी था। इस हाथी ने मोगली की जान बचा ली थी। और फिर यहाँ बगीरा भी पहुँच जाता है। शेर खान इन सभी को यहाँ छुप कर देख रहा था, तभी बगीरा मोगली को यहाँ से लेकर चला जाता है। बगीरा मोगली से कहता है कि मोगली, अब ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, तुम्हें दूसरी जगह जाना होगा। वैसे भी तुम एक इंसान के बच्चे हो। लेकिन मोगली कहता है कि नहीं, मैं एक भेड़िया हूँ और यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तभी बगीरा मोगली से कहता है कि तुम्हारी भेड़ियों के साथ रेस करवाई जाएगी और अगर तुम उस रेस में हार गए तो तुम्हें हमेशा के लिए जंगल से निकाल देंगे। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि यहाँ सभी भेड़िये इकट्ठे होते हैं और भेड़ियों का सरदार इन सभी से कहता है कि तुम सभी की रेस करवाई जाएगी, जिसमें मोगली भी शामिल होगा, और जो इस रेस को जीतेगा उसे टोली का एक बहादुर सिपाही बनाया जाएगा, और जो इस रेस में हारेगा वो बगीरा के हाथों मारा जाएगा। मोगली अब रेस के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसे यहाँ खुद पर विश्वास था कि वो इस रेस को जीत सकता है। अब ये सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन में रेस के लिए तैयार थे। तभी सरदार सभी को भागने के लिए कहता है। सभी भेड़िये और मोगली एक साथ भागते हैं। तभी सरदार बगीरा को भेड़ियों के पीछे भागने के लिए कहता है। मोगली इस रेस में पीछे रह गया था, वे दूसरे रास्ते से भागकर जा रहा था। लेकिन फिर भी भेड़िये मोगली से रेस में आगे भाग रहे थे। लेकिन ये मोगली भी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। बगीरा सभी हारे हुए भेड़ियों को मार रहा था। तभी बगीरा मोगली पर हमला करता है, लेकिन मोगली वहां से भागकर निकल जाता है और पेड़ पर लटकते हुए आगे बढ़ता है। और फिर वो चट्टानों को पार करते हुए आगे भागता है। लेकिन तभी बगीरा मोगली को पकड़ लेता है। अब मोगली इस रेस को हार चुका था, वह नहीं जीत पाया था इस रेस को। भालू मोगली को समझाता है, कहता है कि आज फिर तुम इस रेस को हार चुके हो। लेकिन मोगली कहता है, नहीं, बगीरा ने केवल मेरा ही पीछा किया क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। मोगली इन सब से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वे गुस्से से यहाँ से चला जाता है। तभी भालू बगीरा से कहता है कि अगर आज मैं ना आता तो तुम मोगली को मार ही डालता। तभी बगीरा और भालू आपस में लड़ने लगते हैं। ये दोनों मोगली की वजह से ही लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मोगली का एक दोस्त आता है। वे इन दोनों को बताता है कि मोगली को बंदरों ने पकड़ लिया है। बंदरों की टोली मोगली को उठाकर यहाँ से ले जा रही है। ये सुनते ही ये दोनों भागकर मोगली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। यह बंदरों की टोली मोगली को एक खंडर पर ले आती है, लेकिन मोगली नहीं जानता था कि इसको कहाँ ले जा रहे हैं। और यहाँ पर ये सारे बंदर भूखे इसे नोचने के लिए तैयार थे। फिर ये बंदर खंडर के अंदर मोगली को ले जाकर एक पत्थर के पास पटक देते हैं। और फिर तभी मोगली के सामने शेर खान आता है। ये पूरी
चाल इसी शेर खान की थी। शेर खान कहता है कि आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया, अब तुझे यहाँ पर बचाने वाला कोई भी नहीं है। दरअसल मोगली बेहोश था, उसे कुछ नहीं पता था कि वह इस समय कहाँ है और किसके सामने है। शेर खान जैसे ही मोगली को मारने जाता है, खंडर की छत तोड़कर भालू और बगीरा वहाँ आ जाते हैं। भालू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन उनके सामने पूरी बंदरों की टोली थी। वे बंदर भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और साथ में शेर खान भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तभी एक बंदर उछलकर भालू पर हमला करता है, लेकिन बगीरा उस बंदर को पकड़कर धड़ से अलग कर देता है और फिर ये सारे बंदर बगीरा और भालू पर टूट पड़ते हैं। ये बंदर भालू और बगीरा को बुरी तरह नोचने लगते हैं। ये सभी बंदर बगीरा को नोचते हुए उसे नीचे की तरफ ले जाते हैं। बगीरा और भालू दोनों इस लड़ाई में हार चुके थे। इधर शेर खान मोगली को मारने के लिए उसके पास जा रहा था, तभी इन सबको बचाने के लिए एक फरिश्ता आता है और वह फरिश्ता एक सांप था। ये एक बहुत ही बड़ा सांप था। वह सांप मोगली को चारों तरफ से घेर लेता है और सभी को ललकारता है और शेर खान से कहता है कि शेर खान यहाँ से चला जा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मोगली को इस बड़े सांप ने बचा लिया था। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि सभी भेड़िया शिकार पर जा रहे थे, वो मोगली को चिढ़ाते हुए जाते हैं। यहाँ भेड़ियों का सरदार शिकार में चूक जाता है और इधर शेर खान भी आ चुका था। वो सरदार की जगह पर आकर बैठ जाता है। तभी सरदार कहता है कि शेर खान तुम अपनी सीमा से आगे बढ़ रहे हो। शेर खान कहता है कि मेरी इसी हरकत की वजह से तो मुझसे सभी जानवर डरते हैं, और कहता है कि तूने उस इंसान के बच्चे को पनाह दी, गद्दारी तो तूने करी है। भेड़ियों का सरदार यहाँ फंस चुका था। तभी शेर खान कहता है कि ये तुम्हारा ही नियम है, तुम शिकार में चूक गए हो और अब तुमको अपनी ही टोली से लड़ना होगा। भेड़ियों का सरदार कहता है कि जो भी मुझे इस लड़ाई में हराएगा वो इस टोली का नया सरदार बनेगा। सरदार बनने की लालच में अब कुछ भेड़िये उस पर गुर्राने लगते हैं और फिर एक एक करके उससे लड़ने आते हैं। भेड़ियों का सरदार सभी को धूल चटा रहा था, वह कई भेड़ियों को मार चुका था, लेकिन कुछ भेड़िये धोखे से उसे नोचने लगते हैं। तभी वहाँ पर मोगली आता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये भालू मोगली को पकड़ लेता है, कहता है कि ये जंगल का नियम है। तभी मोगली शेर खान की तरफ देखता है और वहाँ से भाग कर जंगल की तरफ जाता है। इधर बहुत सारे भेड़िये अपने सरदार को नोचने लगते हैं। मोगली भागते हुए गांव की तरफ जाता है और एक महिला जो पूजा करने के लिए आती है उसे डराकर वहां से आग लेकर भागने लगता है। इधर भेड़ियों के सरदार ने सभी को मार दिया था, वे कहता है कि और कोई भी बचा है तो आगे आए। तभी वहाँ पर मोगली आग लेकर आ जाता है। वे सभी भेड़ियों को आग से डराने की कोशिश करता है। उस आग से शेर खान भी डर रहा था। दरअसल मोगली भेड़ियों के सरदार को बचाने की कोशिश करता है। मोगली शेर खान से कहता है कि अगर दोबारा कभी यहाँ आए तो मैं इस आग से तुम्हारी खाल को जला दूंगा और फिर तुम्हें जलते हुए यहाँ देखूंगा। तभी शेर खान यहाँ से डरकर चला जाता है। लेकिन तभी भेड़ियों का सरदार मोगली से कहता है कि चले जाओ यहाँ से, तुम निकल जाओ इस जंगल से। तुम इंसानों का हथियार जंगल में लाए हो, तुमने हमारी पूरी टोली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। दरअसल ये लड़ाई मोगली की वजह से हुई थी। सभी जानवर मोगली से नाराज़ थे और बगीरा भी मोगली से नाराज़ था। तभी मोगली यहाँ से रोते हुए जंगल के अंदर भागने लगता है। तभी पास में रह रहे गांव वाले उसे घेर लेते हैं, क्योंकि गांव वाले मोगली को इंसान नहीं समझ रहे थे। मोगली को पीछे से एक आदमी मार देता है, जिस वजह से मोगली बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन मोगली को होश आता है। वे देखता है कि उसको एक पिंजरे के अंदर कैद कर रखा है। उसके आसपास बहुत सारे इंसान थे। इन इंसानों ने आधे जंगल पर कब्जा कर लिया था। मोगली ये सब देखकर हैरान था। तभी मोगली के पास गाँव के बच्चे आते हैं। वो मोगली को चिढ़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मोगली को चाहने वाला अब कोई भी नहीं था। मोगली को पहले जानवरों ने ठुकराया और अब ये लोग भी इसे इंसान मानने से इनकार कर रहे थे। तभी मोगली देखता है कि पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। वे यहाँ से बाहर निकलकर जाने लगता है। आगे जाकर उसे एक रस्सी से लटका हुआ एक जानवर मिलता है। मोगली भूखा प्यासा था, वो उस जानवर को जाकर खाने लगता है। तभी ये आदमी उसे खाने से रोकता है। दरअसल मोगली ने जानवरों के साथ रहकर कच्चे मांस को भी खाना सीख लिया था। अब यहाँ इस महिला को दिखाया जाता है। यह महिला मोगली को नहलाती है और फिर इसको नए जूते भी पहनाती है।
अब मोगली पहले से बदल गया था। ये बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहा था। मोगली ने पहली बार इंसानों को देखा था। अब मोगली इंसानों की दुनिया में बहुत खुश था। अब ये वापस नहीं जाना चाहता था उन जानवरों के पास। ये आदमी मोगली को एक लॉकेट पहनाता है। तभी मोगली इस आदमी को गले लगा लेता है। तभी मोगली के पास भेड़िया आता है। मोगली दौड़कर उस भेड़िए के पास जाता है और कहता है कि भाई तुम कैसे हो। मोगली उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन ये भेड़िया कहता है कि मोगली तुम तो बहुत ज़्यादा बदल गए हो, अब तो तुम पहले जैसे नहीं रहे। तभी मोगली कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। भेड़िया कहता है कि शेर खान ने हमारी टोली पर कब्जा कर लिया है और बहुत से भेड़िए जंगल को छोड़कर भाग गए हैं। शेर खान सबका शिकार कर रहा है। लेकिन मोगली कहता है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो तुम लोगों ने बड़े ही शौक से वहाँ से निकाल दिया था। और इतना बोलकर मोगली यहाँ से जाने लगता है। तभी भेड़िया फिर से मोगली को आवाज़ लगाता है और कहता है भाई घर वापस चलो। तभी मोगली कहता है कि अब यही मेरा घर है, तुम लोगों ने मुझे वहाँ से निकालते समय मेरे बारे में नहीं सोचा था और अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि ये सभी गांव वाले बड़ी ही खुशी से एक त्यौहार को मना रहे थे। मोगली नहीं जानता था कि जानवरों से ज़्यादा प्यार इसे इंसानों के साथ मिलेगा। मोगली भी बहुत खुश था। लेकिन तभी रात के समय मोगली एक ऐसी चीज़ देखता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। वे देखता है कि जानवरों को मारकर उनका सर बोतल में भरकर रखा गया था और तभी उसने देखा कि उसके दोस्त का सर भी यहाँ पर था। मोगली ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ये सारा काम इसी शिकारी का था। अब मोगली बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। वे गुस्से से फिर इस शिकारी के पास जाता है। वे इस शिकारी को मारने के लिए जैसे ही चाकू निकालता है तभी मोगली को शिकारी के पेट पर निशान दिखता है। उस निशान को देखकर मोगली पहचान लेता है इस पर शेर खान ने हमला किया है। मोगली उस शिकारी को नहीं मारता और फिर मोगली की नज़र एक बहुत ही बड़े टूटे हुए दांत पर जाती है। वो दांत एक हाथी का होता है। ये उसी हाथी का दांत था जिस हाथी ने मोगली की जान बचाई थी। मोगली उस दांत को देखकर पहचान लेता है। तभी मोगली उस दांत को उठाकर हाथी के पास ले जाता है। हाथी उस दांत को लेकर अपने टूटे हुए दांत में जोड़ लेता है। फिर मोगली हाथी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दांत किसने तोड़ा था। और फिर मोगली जंगल में वापस जानवरों के पास जाता है और भेड़ियों के सरदार से कहता है कि हम सब मिलकर उस शेर खान को मार देंगे। लेकिन भेड़ियों का सरदार कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन जंगल के कानून को नहीं तोड़ूंगा। और कहता है कि मोगली मुझे तुम पर भरोसा था कि एक दिन तुम इस जंगल में शांति लाओगे, लेकिन तुमने आज इंसान की जात दिखा दी। मोगली कहता है कि ना तो मैं इंसान हूँ और ना भेड़िया। और कहता है कि कौन चलेगा मेरे साथ। लेकिन मोगली के साथ चलने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। बगीरा अपने कदम आगे करता है लेकिन भालू उसे रोक लेता है। तभी मोगली कहता है कि मैं अकेला ही शेर खान को मारूंगा। और अगले दिन मोगली अकेला ही उस शेर खान के इलाके में चला जाता है। जिसके पास केवल एक छोटा सा चाकू था वे जोर से चिल्लाकर शेर खान को बुलाता है। इस छोटे से बच्चे में इतना जुनून था कि वह जंगल के राजा से अकेले लड़ने को खड़ा था। वह शेर खान को चुनौती देता है। तभी वहाँ शेर खान आ जाता है। शेर खान मोगली से कहता है कि तू मुझे चुनौती दे रहा है, तेरे अंदर आखिर इतना जोश आया कहाँ से। और कहता है कि कहाँ गए तेरे चाहने वाले, तू अकेला ही आया है। तभी यहाँ मोगली ज़ोर से एक आवाज़ निकालता है। शेर खान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कर क्या रहा है, लेकिन मोगली किसी को बुला रहा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे हाथी आ जाते हैं। शेर खान के साथ खड़ा ये लकड़बग्गा इन्हें देख कर यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि जंगल में सबसे ताकतवर जानवर हाथी ही होते हैं। शेर खान ये सब देखकर घबरा जाता है और सीधा मोगली की तरफ भागता है। तभी एक हाथी शेर खान को जोर का एक टक्कर मारता है। अब शेर खान को हाथियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। मोगली के साथ बगीरा और भालू में से कोई भी नहीं खड़ा था, खड़े थे तो केवल ये हाथी। और दूसरी तरफ यहाँ इंसानों को पता चल जाता है। वे सभी लोग घबरा कर दूर से ये सब देख रहे थे। शेर खान को हाथी उछाल उछाल कर मार रहे थे। तभी मोगली शेर खान को चाकू मारकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन शेर खान मोगली पर झपटता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन फिर मोगली उछलकर उसकी पूंछ पकड़ लेता है। शेर खान उसे घुमाकर फेंक देता है। अब मोगली शेर खान के सामने था। शेर खान दौड़कर मोगली पर अटैक करता है, लेकिन मोगली उसके हमले से बच जाता है और भागकर एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर खान उसके पीछे था। तभी मोगली उछलकर दूसरी डाली पर कूद जाता है और फिर से शेर खान पर एक बार और चाकू से हमला करता है। और इधर वही शिकारी
शेर खान पर गोली चलाता है। शेर खान उस शिकारी को देख लेता है। वह शिकारी शेर खान को मारने ही वाला था कि तभी मोगली हाथी को कहता है कि वो रहा तुम्हारा शिकारी। यहाँ भेड़िया भी इंतजार कर रहे थे, तभी बगीरा और भालू मोगली की तरफ जाते हैं और इधर ये हाथी उस शिकारी को मारने जा रहा था। जंगल के सभी लोग डरे हुए थे। अब शिकारी शेर खान पर निशाना लगाता है, लेकिन वहाँ मोगली भी भाग रहा था। जैसे शिकारी गोली चलाता है, वो गोली मोगली को लग जाती है। तभी शेर खान मोगली के पास आता है और मोगली से कहता है कि मैंने ही तेरी माँ को मारा था, तुझे भी तेरी माँ के साथ मार देना चाहिए था। और इतना बोलकर शेर खान मोगली को मारने जाता है। इधर शिकारी फिर से शेर खान पर निशाना लगा रहा था और हाथी अपना बदला लेने के लिए शिकारी के पास आ रहा था। इधर शेर खान मोगली पर अटैक करता है, शिकारी गोली चलाता है और शेर खान को एक जानवर लपेट लेता है। तभी वह हाथी शिकारी के पास आकर उसे मार देता है। हाथी ने अपना बदला ले लिया था। और इधर मोगली चारों तरफ देख रहा था कि आखिर शेर खान पर किसने हमला किया। तभी उसने देखा कि वे भेड़ियों का सरदार था। मरते मरते उसने मोगली की जान बचा ली थी। अब शेर खान फिर से खड़ा होता है, जो पूरी तरह से थक चुका था। शेर खान की हालत ऐसी हो गई थी कि इसे कोई कुत्ता भी मार सकता था। और एक तरफ था मोगली, जिसे अपनी माँ का बदला लेना था। सभी जानवर दौड़कर मोगली की तरफ आ रहे थे। ये लोग भागकर भेड़ियों के सरदार के पास जाते हैं। तभी सरदार कहता है कि मोगली, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की, मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा। आज से तुम सभी भेड़ियों के मुखिया हो। और इतना बोलकर सरदार इस दुनिया से चला जाता है। अब मोगली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वे चाकू को उठाता है और शेर खान के पास जाता है। अब शेर खान की केवल सांसें ही चल रही थी। जो शेर खान अपनी दहाड़ से सबको डरा दिया करता था, आज वे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता है। तभी शेर खान फिर से मोगली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में मोगली धड़ से उसके शरीर के अंदर चाकू घुसा देता है और कहता है कि सो जा शेर खान। मार दिया था मोगली ने शेर खान को। यहाँ सभी जानवर मोगली को ही देख रहे थे। सभी जानवर और हाथी मोगली के पास आते हैं और उसे इज्जत देते हैं। अब मोगली इस जंगल का मुखिया बन चुका था। मोगली ने जंगल को एक नई उम्मीद दी और जब तक वे मुखिया रहा, जंगल में शांति कायम रही। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.5/10 है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी मूवी।